अयोध्या में बड़े भाई को उसकी प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखना और उसका विरोध करना छोटे भाई को महंगा पड़ गया, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इस मामले में छोटे भाई का गुनाह सिर्फ इतना था कि बड़े भाई को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिस पर उसने यह कह दिया था कि यह सारी बातें वह घर वालों को बता देगा। वहीं बड़े भाई ने अपने संबंधों को छिपाने के लिए खून के रिश्ते तार तार कर दिए और छोटे भाई की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। हालांकि अब उसके संबंधों को सिर्फ घर वाले ही नहीं सारा समाज जान गया, जिसके साथ अब ना तो प्रेमिका ही है और ना सगा भाई। अब आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दरअसल घटना बाबा बाजार थाना क्षेत्र में बनमऊ गाँव की है, जहां बीते 26 दिसंबर को गांव के जंगल में किशोर सुभाष का शव मिला था। इस ब्लाइंड मर्डर को लेकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम पिछले 2 हफ्ते से बनमऊ गांव और उसके जंगल की खाक छान रही थी। इस दौरान पुलिस को सुराग मिला कि नाबालिग के छोटे भाई सुभाष की हत्या उसके बड़े भाई विकास ने की है। पुलिस ने विकास को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को जंगल में बने तालाब के पास से बरामद कर लिया है। वहीं रक्त रंजित उसका जैकेट भी मिला है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि बड़े भाई विकास ने पहले छोटे भाई को समझाने की कोशिश की थी कि वह राज को राज रहने दे, लेकिन जब उसने कहा कि वह बता ही देगा, तब बड़े भाई ने साजिश के तहत छोटे भाई सुभाष को बनमऊ जंगल में भेजा कि वहां जाकर वह लकड़ी लाए। पीछे पीछे उसका बड़ा भाई भी वहां पहुंचा। उसके जैकेट में हथौड़ा छिपा हुआ था और फिर हथौड़ा निकालकर पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। जब छोटा भाई गिर गया तब भी बड़े भाई के अंदर दया नहीं आई और ताबड़तोड़ 3-4 हथौड़े उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। बाबा थाना पुलिस और स्वाट टीम ने आला कत्ल बरामद करते हुए हत्यारे भाई विकास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था, परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने, मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए और वो इनको इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहां गांव जंगल में ही गया, वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी। और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान है, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी।